एल्विस यादव को आज हर कोई जानता है। इनका यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इनके साथ साथ एल्विस यादव शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं। वहीं एल्विस यादव के दो यूट्यूब चैनल भी हैं, जिसमें से एक एल्विस यादव ब्लॉग्स और दूसरा एल्विस यादव के नाम से है, जिस पर करीब 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन यह सफलता उन्हें बिग बॉस विजेता बनकर सुर्खियों में आने के बाद और ज्यादा हासिल हुआ। लेकिन अब यूट्यूबर एल्विस यादव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल नोएडा सहित NCR के अन्य शहरों में रेप पार्टी करने और उसमें विदेशी युवतियों के बुलाने के मामले में फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विस यादव समेत 6 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 के थाने में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल भाजपा नेता मेनका गांधी द्वारा संचालित PFA ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सेक्टर 49 थाने में दी शिकायत में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एल्विस यादव नाम का एक यूट्यूबर स्नेह वेनम व जिंदा सांपों के साथ नोएडा सहित समूचे NCR के फार्म हाउस में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ वीडियो शूट कराता है और गैर कानूनी रूप से रेप पार्टियों को अंजाम देता है, जिसमें बकायदा विदेशी युवतियों को भी बुलाकर स्नैक वेनम व नशीली पदार्थों का सेवन कराया जाता है। इसके बाद यूट्यूबर ने मुखबिर से संपर्क किया और उसने नोएडा में रेप पार्टी करने व सांपों और कोबरा वेनम का प्रबंध करने को कहा। इसके बाद यूट्यूबर ने अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया और एल्विस का नाम लेकर बात करने के लिए कहा। एजेंट से बात करने के बाद रेप पार्टी सहित हर मांग पूरी करने के लिए आश्वासन दिया। एजेंट ने बताए गए स्थान पर सांप और साथी सहित आने की बात कही। टीम के साथियों ने उसे सेक्टर 51 स्थित सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में बुलाया। इसकी सूचना DFO नोएडा को पहले ही दे दी गई थी। बताए गए स्थान पर पहुंचने के बाद टीम ने जिस भी सांप को देखने की इच्छा जाहिर की, गिरोह के लोगों ने उसे दिखाया, जिसके बाद एक तरह से मुखबिर से मिली सूचना पर मुहर लग गई। फिर मामले की सूचना नोएडा पुलिस और वन विभाग को दी गई और थोड़ी ही देर बाद सेक्टर 49 थाने की पुलिस और क्षेत्रीय वन अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 5 लोगों को मौके से ही हिरासत में ले लिया गया। और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें बदरपुर निवासी राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल हैं। तलाशी के दौरान राहुल की कमर पर टंगे पिट्ठू बैग से एक प्लास्टिक की बोतल में भरा स्नैक वेनम मिला और सभी के पास से 9 जिंदा सांप मिले हैं, जिसमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 1 घोड़ा पछाड़ और 2 मुहे सांप शामिल हैं। इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए एल्विस यादव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। तो वहीं एल्विस यादव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खंडित करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं।